तो देखिए, हमने इतना सारा डेकोरेशन किए हैं यहाँ पर, और अभी जया को मिलेगा सरप्राइज। क्या मस्त डेकोरेशन हुआ है ना जयश्री, इतने सारे बैलून्स लगाए, इतनी मेहनत की हम लोगों ने इसको डेकोरेट करने में, बताओ। और जया को लग रहा था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, सो सैड। हाँ, कितने बैलून्स फूटे हैं देखिए गाइस, बैलून्स कितने सारे फूटे हैं यहाँ पर। ये तो जया को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। थ्री, जया आंख बंद करके, थ्री टू वन, सरप्राइज। देखो पूरा डेकोरेशन हुआ है। बैलून अब फूट गया, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ये बैलून मैंने फुलाया इतनी मेहनत से। हैप्पी बर्थडे जया, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड, सोचा भी नहीं था। सच में मैं बोला था ना इस बार तुमको सरप्राइज देंगे, क्यों जयश्री सर बोले थे ना कुछ ना देकर सरप्राइज देंगे। चलो इसके बाद एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ये तो नहीं बता सकते, दिस इज टॉप सीक्रेट, पर बैलून्स फूटे हैं हमारे, ये सबूत है कि हमने मेहनत की है। बहुत अच्छा लगा। चले आए हाय, कहीं तो रोक लो मम्मी। ये देखिए नौटंकी, ये देखिए बर्थडे गर्ल, ये बर्थडे गर्ल की दीदी, और ये रहे आपके सामने बर्थडे गर्ल के भैया, है ना। तो चले सेकंड सरप्राइज के लिए। वाह जयश्री, ए तुम भी हो इसमें, थैंक यू तो ले लो, थैंक यू ले लो बेबी, आ जाओ। इतना मेहनत की हम लोग इसके लिए, थैंक यू छोटंकी, वेलकम। इसको बोलते हैं नो डेकोरेशन लुक, जैसे नो मेकअप लुक होता है, ऐसे नो डेकोरेशन लुक। हाँ। कोई पिक रील्स बनाने इसमें कोई गंदगी भी नहीं होती, मतलब रूम साफ करने की जरूरत नहीं। मैं अपना ले लूं, पर इसके बाद एक सरप्राइज और है तुम्हारे लिए। रोड पे क्या, रोड में मम्मा, रोड में क्या, मेरा फोन ले लियो, कुछ नहीं दीदी, तुम मैंने कहा जया के लिए सरप्राइज एक और है। ये मैं फोन ले लो, ये अपना फोन दे रही है रील शूट करने की, बता एक भी मोमेंट मिस ना हो। बिल्कुल यार, इसलिए मैं कह रही सब लोग फोन ले लो, चले चले लेट्स गो ऑलवेज। मैंने अपना ले लिया, तुम्हारा ले लूं, व्हाट क्या बनाऊंगी। हां हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट डाउन कीजिएगा, जब तक हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं वेन्यू में, एंड अभी हम जा रहे हैं, जैसे मैं ना लोग हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग पहुंच गए हैं अल्बेट्रॉस, और जहां हम लोग हमेशा आते हैं वहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग हमेशा आते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया डेकोरेशन का, तो सोचे हैं कि बाहर आकर कुछ खा पी कर चल रहे। किसका है डेकोरेशन? सो तुम्हारे लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Jaya, happy birthday to you। बहुत ही ये भैया की तरफ से गिफ्ट है डेकोरेशन, क्यों भैया, है ना, बर्थडे गर्ल के लिए गिफ्ट है छोटा सा, और उधर भी है, इधर भी गिफ्ट है, थैंक यू, और इधर भी गिफ्ट है भाई पूजा की साइड से।
बहुत खुश होने वाली है, तो चलते हैं नीचे उसको थोड़ी देर तक परेशान करते हैं एंड उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर उसको मेन जगह पे लेके आते हैं एंड उसके बाद करते हैं हम सेलिब्रेशन। एंड डेकोरेशन कैसा लग रहा है आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे एंड वहीं हम करवाते हैं जया का फोटोशूट और उसे थोड़ा सा परेशान करते हैं। स्टार्ट, यहाँ तो ऑलरेडी भैया चल रहा है। यहाँ जया की ड्रेस के अकॉर्डिंग थीम रखा गया है रेड कलर का एंड वाइट कलर का, क्योंकि जया की एसेसरीज वाइट थी एंड रेड कलर का था जया का ड्रेस। अच्छा लगा। कैसा लग रहा है मम्मी डेकोरेशन? और इधर का भैया, इधर का तो देख ही नहीं, डबल डबल डेकोरेशन करवाए इसके लिए। डबल डबल डेकोरेशन है तुम्हारे लिए, एक तरफ तुम्हारी ड्रेस के अकॉर्डिंग है और एक तरफ हमारी पसंद के अकॉर्डिंग। एक तरफ हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग, हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे है ना। और ये भैया हैं अनिल भैया जो कि तुम्हारे फोटोशूट के लिए आए हुए हैं। अच्छा, शायद पहले मिल ली है ना, एक बार मिल ली शायद। एंड ये बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं जैसा कि मुझे नॉलेज में आया है एंड फर्स्ट टाइम अभी हम करवा रहे हैं। और अगर अच्छी लगे तो मैं इनका नंबर जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी एंड जो भी लोग रीवा से हमें देख रहे हैं तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं करवाओ डेकोरेशन तो अभी जया को धोखा देने के लिए है, असली तो ऊपर है। असली तो ऊपर है, ये तो धोखा देने के लिए करवाए गए हैं। छोटी बहन है यार, करना तो पड़ेगा है ना। और जयश्री कैसा लग रहा है? हमारी प्लानिंग सक्सेस। है ना, अब वो क्या बोल रही है अपने भैया को पता है? भैया आपके फेस में ग्लो आ गया। है ना, पहचानी सी लग रही ना। हाँ लग तो रहा है मुझे भी, तो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट आज ना आई है। तो ये है नीचे का डेकोरेशन, ऐसा है कुछ, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। एंड इस साइड का डेकोरेशन ऐसा। श्री तुमने ऐसा बोला था, मुझे तो पता भी नहीं था कि अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम आईफोन गिफ्ट करोगी सबको। फिर किसने बोला था? भैया ने बोला था कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो जयश्री को आईफोन मिलेगा। थर्टीन प्रो मैक्स चाहिए भैया, 2 लाख का। गाइस इट्स टर्न फॉर सरप्राइज, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग ऊपर। जया को भी तो बना, जया चले ऊपर ले लेना ना फोटोज, ऊपर ले लेना फोटोज। और ये भाई इधर दोस्ती चल रही है। यस
सारे पिक्स यही क्लिक करवा ले रही है। असली सरप्राइज था ये, बाकी है मेरे दोस्त। चले गिटार लिए ना, लिए रहो चाहे ऊपर वहाँ वो जो ग्लासेस वगैरह रखे वहाँ पे क्लिक करवा लेना, है ना? तो ठीक है ना, सरप्राइज देने के चक्कर में अकेले ही आए हो ताकि पता ना चले। चलो पूजा को बस इतना नहीं पता था कि तीन डेकोरेशन होने वाले हैं। मेरे को यहाँ का नहीं पता था, नीचे का पता था, है ना? वो रेड और गोल्डन का पता था। हम लोग को किसी को नहीं पता था, ये ऑटोमेटिक हो गया अचानक सच में। इधर भी पोजेस पे पोजेस चल रहे हैं और कुछ कम है कर पा रही हूँ सूट एंड कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फोटोज मैं इंस्टाग्राम में जरूर शेयर करूँगी और इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग जरूर जाकर के वॉच कीजिएगा, सारे इतने प्यारे प्यारे फनी पोजेस भी हैं एंड बहुत प्यारे यूनिक पोजेस भी हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा पिक्स देख करके। आज यहाँ से नहीं रह सकती। ये देखो सारी लाइट इधर आ गई, आजकल की पार्टीज में सबसे ज्यादा एंजॉय सिर्फ इस चीज में होता है भैया, सिर्फ फोटो शूट में। यस, सबसे बेस्ट चीज है ना, ये एक मेमोरी हो जाती है सच में, ये वाली फोटो स्टाइल। बर्थडे गर्ल तो एकदम दमक रही है आज। अरे अफसोस, ये बोलत का है नहीं आती है, तो नहीं आती बजाने आना चाहिए उसके लिए, फटफट एक कर पर पड़ गया है ये, जैसे आता नहीं आवाज आ गया, नहीं खराब कर दिए पता नहीं, बसता नहीं तो ये खराब कर दिए, खराब हो गया भाई, खराब है इसीलिए फोटो शूट के लिए निकाला गया है, नहीं तो क्यों निकलते हैं। अरे जयश्री डेकोरेशन हुआ तुम्हें पसंद का? ढेर सारे रील्स बना लेना, सुंदर लग रही है वैसे, मेरे हाथ का मेकअप तुम्हें मतलब और सुंदर बना देता है। यस ओहो। ये देखो इधर चल रहा है दीदी और भैया का फोटो शूट
एंड इधर दो लोग हमारे बैठे हैं जिनकी बहुत पटती है आपस में, एक भी नहीं लड़ाई करते दोनों एक दूसरे से। टाइम फॉर केक कटिंग, और केक हम पहले से ही यहाँ रखवा दिए थे, ये आके केक कटने की तैयारी इधर भैया लोग कर रहे हैं एंड टेबल बस वहाँ आ जा चुका है। अब होगा केक कट, देखते हैं केक को देख के जया का क्या एक्सप्रेशन निकलते हैं। सो केक बहुत सुंदर केक लग रहा है, और ये है जैसे केक टॉपर। ओ बेबी वाह, ओ बेबी केक कटिंग की, और अभी इसमें लगाई जा रही है कैंडल्स। लगा दिए? अच्छा भी नहीं लगाए, केक बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत केक लग रहा है ना। जबरदस्त जबरदस्त लग रहा है, मेरी वो बेबी। सो यहाँ पर केक कट हो चुका है और अब केक खिलाने का टर्न चल रहा है। सबसे पहले जैसे भी खिला था उसको भूख लगी है यार, नाराज भी इधर मेरी फ्रेंड भी होती है ना जैसे, जबरदस्त जबरदस्त है ये, ये देखती है जेठा लाल को जबरदस्त, इसका पोपट लाल फेवरेट है। मैं तो देखता ही नहीं। हैप्पी बर्थडे मम्मी। सही बात है, मम्मी का भी तो बर्थडे है आज। तो मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोली आज? हाँ सही में, वाह थैंक यू। गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट कहाँ पे रखा है? वहाँ पे रखा है ना गिफ्ट वहाँ पे वो। अच्छा ये तुम लेकर आई हो पूजा? यार तुम गिफ्ट नहीं ला सकी जया के लिए, तो लाना चाहिए था कम से कम यार। ये मैं लेकर आया और तुम अपना ले ली उसको। आज तो छोड़ दीजिए मुझे छीलना। अच्छा सॉरी।
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू, आपको भी हैप्पी बर्थडे, आप आज के दिन भाई बने थे। गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ मेरा गिफ्ट? फिर घर पे है, घर पे गाइज, हम सारे गिफ्ट्स ना घर पे भूल गए, और इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि जय के लिए क्या गिफ्ट्स थे। एक गिफ्ट है वहाँ पे, जय रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ऐसा। बापू जी भैया केक बहुत है, थैंक यू जिशान भैया, मिस्टर बेकर, अपने आप ही खाना शुरू कर दिया। आओ आओ, अरे आओ ना, थोड़ा सा खिलाओ ना, हाँ ज्यादा इधर खिला देना, मेरे कहने का मतलब है ज्यादा इधर खिलाना। अच्छा फोटो भी थी क्या? फोटो हो गई थी, फोटो हो गई थी, एक बार फिर से जय दो बार खा लेगी, कोई नहीं। हाँ क्लोजअप शॉट, अच्छा ऐसे करना है, थोड़ा नीचे, हाँ ये खत्म हो जाए, लेकिन वो ओवे भी ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए। ऐसी कुछ सुनी हो तुम, जाओ कुछ सुनी हो, भैया बुला रहे हैं, मैं एकदम थोड़ा सब इकट्ठा टूट पड़ेंगे डांस में, इकट्ठे हड़िप्पा वाला होगा क्या? हाँ खा लो, एक ऐसे सॉन्ग होता है, उनको भैया बेस निकली है। फिर तुमने उसका स्टेटस लगा रखा था, तो मैंने कुछ चुरी की, पहले देख लो शायद पसंद है, ऐसा कुछ हो सकता है। भाई हम भी एक्साइटेड है, देखने के लिए बैठो यार, मैं वही खोल देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, आई लव चॉकलेट। ये तो हो गया, वो तुम ले लिए थे, वो ऐसे ही ले लिए, मतलब ये दिल से कोल्हापुरी पनीर का क्या बात, इसलिए है क्योंकि मतलब हमेशा तुम्हारे पास हो। ओहो क्या बात है, क्या बात है, आई एम सो एक्साइटेड। टच करके मैं थोड़ा गेस करता हूं, बताइएगा नहीं अगर कल कर लिया, चलो नहीं नहीं गलत, वी आर सो एक्साइटेड, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा कुछ गिफ्ट अपनी पसंद से। अच्छा सच में पसंद है इसमें कि कितनी मतलब क्या बोले, भाभी की पसंद है, देख लो। अरे वाह, अरे वाह यार, मैं थोड़ी गलत गैसिंग थी मेरी यार, क्या है छोटी जय आ गई, उसके साथ कौन है, क्या बात है यार, ये तो गजब हो गया भाई, ये देखिए पहले पीछे, वाओ और ये हो गया, हाँ यहाँ देखिए भाई छोटी, ओह माय गॉड, मेरे ने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था अभी कि आज ये वाली फोटो का बहुत यूज हुआ है। सच में यार, मतलब सब लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना प्यारा गिफ्ट होगा, सच में थैंक यू सो मच। तो पहले मैंने सोचा कि दोनों साइड इसी की करे, फिर मैंने कहा यार इसी की क्यों करना है, सारे लोग होने चाहिए, सही बात है, बहुत प्यारा गिफ्ट है, बहुत सच में साथ में रहेगा हमेशा। चक्कर में मतलब गया मैं, देखा तो बहुत सारी चीजें और थी, बॉटल में भी था कि हाँ उसमें फोटो, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिया था कि पास में होना चाहिए, सच में रहेगा। मत करो जया, अभी मुझे ये तुम खा लिया, चॉकलेट के साथ ऐसा मत करिए, जानते हो मुझे कितना पसंद है, ये चॉकलेट दे जाओ। अच्छा ये बताइए फूड में क्या कर लें, कोल्हापुरी पनीर क्यों, पनीर है ना, कोल्हापुरी पनीर या शाही पनीर, बैठो बैठो बताओ। अब जो कोल्हापुरी पनीर पनीर है ना, मम्मी से पूछो मम्मी क्या खाना चाहती है, पनीर पसंद है हमको, तो एक ही सब्जी पसंद है ज्यादा, शाही पनीर भैया, मैंने तो वेज को थे, वेज को थे खाओगी,
खाना नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। चलो आज तुम्हारी पसंद से क्या प्रिया के लिए केक निकल के आया था क्या खाइए? नहीं पूजा, अच्छा सॉरी तुम्हारे लिए आया है जी, खत्म। हाँ और क्या मंगवाया तो खाना ही पड़ेगा, खाओ खाओ। हम लोगों ने तो कितना खाया है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाओ ना, खाओ खाओ। एक काम करते हैं, एक कर लेते हैं ये वाला अपना कौन सा करते हैं अपन, पनीर बटर पनीर, पनीर मसाला बटर पनीर मसाला और एक कोल्हापुरी पनीर करते हैं। ठीक है ठीक है। और तुम्हारे लिए एक प्लेट वेज कोसे, वेज कोसे भैया आ जाइए, एक प्लेट वेज कोसे कर दीजिए है ना, एक कर दीजिए कोल्हापुरी पनीर और एक बटर पनीर मसाला। ठीक है और बाकी तो आप वो ले आइए तंदूरी। तो अभी सॉन्ग सिलेक्शन किया जा रहा है डांस के लिए, तो कौन सा गाना फाइनल हुआ है? आए हाय चलो सब लोग आ जाओ चलो। करने के बाद थक हार के अब हम आ गए हैं डिनर करने, इधर है तंदूरी रोटी और इधर है क्या है ये ज्यादा कोल्हापुरी है, कोल्हापुरी पनीर और इधर है बटर पनीर मसाला। क्या और ये सारी जयश्री के लिए, ये सारी रोटी जयश्री के लिए है और ये आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेगी नहीं, यदि छोड़ेगी जबरदस्ती छोड़ देगी।
अभी डिनर करके हम हुए हैं फ्री, सारे लोग फ्री हो गए हैं एंड अब थोड़ी सी और मस्ती करेंगे एंड इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। मजा आ गया है ना, तीखा तीखा खाना, स्पाइसी फूड, बहुत मजा आई। जिंदगी सवार दू एक नई बहार दू, दुनिया ही बदल दू मैं तो प्यारा सा चमत्कार, डोरेमोन। हाँ ये बढ़िया है भैया। आई हाई गाना अच्छा है। मैंने सोचा न था Yeah.
अभी से पहन लिया। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों? सिर्फ मैं बस जा सकता। नहीं हमारी गाड़ी में जितना भी डेकोरेशन वाले बलून थे सारे हमने भर लिए हैं, पूरा भरा हुआ है। और बने आगे आगे चल रहा है, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। पूरा पीछे तक देखिए सारा कुछ भरा हुआ है। मजा आई आज के सेलिब्रेशन में, बहुत ज्यादा मजा आया। तो एक बार फिर जय के लिए हो जाए। बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू जया, हैप्पी बर्थडे टू जया, हैप्पी बर्थडे टू जया, हैप्पी बर्थडे टू यू।